नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये वर्क ऑफसेट के ऊपर है, और वर्क ऑफसेट कैसे लिया जाता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वर्क ऑफसेट के लिए क्या है कि सभी टूल आज जो हैं आपके वो सारे बंदे होने चाहिए। तो सभी टूलों को एक साथ आगे या पीछे शिफ्ट करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए, सभी टूल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें अगर मान लो आपके सारे टूल पहले से लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको आगे पीछे लेना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, ये ज्योमेट्री दिख रही है, ये वर्क ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो देखते रहिए आप वीडियो में, आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्या होता है वो चीज़ सारा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं वर्क ऑफसेट के बारे में। तो वर्क ऑफसेट जो होते हैं हमारे G54 से लेकर G59, तो सीमेंस के अंदर 507 510 तक होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपकी पूरी देख रहे हैं कौन कौन सी की है क्या है। तो आपको ऑफसेट वाली की दबानी, जो मैंने दबाई है। इसके बाद आपको स्क्रीन पे देखना है टूल लिस्ट वियर, आपको जाना वर्क ऑफसेट पे। तो ये वर्क ऑफसेट पे जाओ आप, टूल लिस्ट पे जाओगे तो टूल लिस्ट खुलेगी। तो वर्क ऑफसेट पे हम जाएंगे, एक बार रीसेट कर दीजिए आप। ठीक है, ऑफसेट का बटन दबाने के बाद वर्क ऑफसेट पे आपको जाना है। वर्क ऑफसेट जैसे आप जाएंगे तो ये खुला हुआ, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको G54। इसको पूरी लिस्ट को ओपन करने के लिए आपको साइड से दबाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या दोस्तों, एक्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जेड के अंदर ही हमको सारे टूलों को आगे पीछे करना होता है। बराबर करिए इस पर, इस वैल्यू मैंने बराबर किया। कितना मेरे को माइनस करना है, जिसे मान लो मुझे माइनस करना है, मतलब सभी टूलों को आगे लेना है एक साथ में, तो मैं माइनस कर दूँगा इसके अंदर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टूल को चला दिया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से टूल पास में आ रहा है और कटिंग करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ, ये रीसेट मैंने कर दिया है। यहाँ पे रीसेट करने के बाद अब आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है वो सारा। MDI दबाना है, फिर आपको साइकिल स्टार्ट करना है। ठीक है, ये घुमा दिया हमने। अब क्या करना है, इसको टूल को आगे लेना है। तो टूल को आगे लेने के लिए जॉग मोड सेलेक्ट करेंगे, फिर हैंडल मोड पे जाएंगे, जॉग मोड दबा के फिर हैंडल मोड पे जाएंगे, कर्सर दबा के। कर्सर दबाया ही साइड में, हैंडल मोड आ गया। इसके बाद एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लो, जेड कर लो। यहाँ पर आपको स्पीड सेलेक्ट करनी है इंक्रीमेंटल करके। तो स्पीड देखो 1:10 आ रहा है, तो हम क्या कम पे करके चलाएँगे, X1 पे करके चलाऊँगा, X10 पे करके चलाऊँगा मैं धीरे धीरे। ये टूल को मैं पास में ले आया हूँ। टूल को पास में लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टूल को कंटिन्यू चला रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा फेस पे मैं कट मार रहा हूँ, आप जेड में देख सकते हैं 1.4 शो कर रहा है। ऑफसेट में जाएंगे, ऑफसेट में जाने के बाद वर्क ऑफसेट का बटन दबाया मैंने। वर्क ऑफसेट पर जाने के बाद आप बराबर दबाओगे, और यहाँ पर अगर मुझे माइनस करना है 0.05, तो माइनस 0.05 मैं कर दूँगा, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ से एक्सेप्ट। अब मैं टूल को चला दूंगा, ये क्या है मेरा 0.05 काट देगा। तो सारे टूल मेरे शिफ्ट हो गए 0.05 पे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कटिंग और प्रोसेस हुई है, और क्या सिस्टम है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी।